हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो यार, एसएससी की तरफ से अभी एक हाल ही में न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर जो है जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने वेरियस पोस्टेस के बारे में डिटेल दी है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो कब कब होना है, बाकी रिजल्ट कब आएंगे। टीयर 2, टीयर 1 2018 CHSL का रिजल्ट, 19 का टीयर 2 SSCGL कब होगा, जो मेंस 2 है, और इसका रिजल्ट कब आएगा, इस बार 2021 वाला GD का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है ना। बहुत सारी जो डिटेल, जितनी भी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर, सारी जो है डिटेल दी गई है, बहुत सारे अपडेट हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। और हाँ, एक बात और, अब ये देखिए, आप खुश भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो अंदर जाके आपको पता चल जाएगा क्या है पूरी बात, ठीक है। तो आप, अगर आपसे पहली बार हमारे चैनल पर आए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसी की तरह की और भी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि कोई भी एग्जाम का नोटिस आता है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए हम दिखा देते हैं ऑफिशियल नोटिस, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिख रहा होगा आपको, इम्पोर्टेंट नोटिस 2021, ठीक है ना। ये देखिए, ये स्किल टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया। पहला आपका है CHSL 10+2 2019 वाले का जो स्किल टेस्ट की जो इन्होंने एग्जाम डेट दी है, वो है 3/11, यानी कि 3 नवंबर को जो है आपका 2019 वाला CHSL का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट, ठीक है ना। इसके बाद इसका रिजल्ट भी बताऊंगा अभी कब आएगा, ठीक है। और जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली CISF जो वाला ना, CISF वाला, वो है आपका पेपर 2 है 8/11/2021 को, टीयर 2 है आपका नवंबर में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, स्टेनोग्राफर CND एग्जामिनेशन, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि 2020 वाला जो होना है 11/11 यानी 11 नवंबर में होना है आपका, जो कि 15 नवंबर से चलेगा। और सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो है कॉन्स्टेबल GD 2021 का पेपर कब होगा, तो देखिए फाइनल डेट जो है आ चुकी है, 16 नवंबर से आपके स्टार्ट होंगे, जो 15-12 तक चलेंगे, यानी कि लगभग 1 महीना जो है आपका एग्जाम चलने वाला है, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, ठीक है ना। और बाकी नीचे देखिए, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, ठीक है ना। ये देखिए, आज की डेट में इसे पब्लिश किया गया है 6/9/2021, ठीक है, ये कल की डेट दिखा रहा है, ठीक है ना। आज 7 हो चुकी है, कल का है, ठीक है। तो देखिए, ये कल के नोट, एक और नोटिफिकेशन आया था, जिसमें लिखा, बोला गया था कि जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाला जो पेपर 2 होगा, जो होगा 15/7 को, इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट का नोटिस है आपके पास, देखिए रिजल्ट का, और एग्जामिनेशन का मैंने आपको दिखा दिया कि एग्जामिनेशन कब होंगे, ये रिजल्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका जो सब इंस्पेक्टर वाला है, इसका 3/9/2021 को पेपर 2 का रिजल्ट आएगा, 2019 वाला, ठीक है ना। 2019 का रिजल्ट अब आ रहा है, बताओ यार, मतलब क्या बोले SSC को। अब ये देखिए, जो आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी CHSL 2018 का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, भाई साहब 18 का, समझ रहे हो आप, 2018 का फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 30 सितंबर को, टेंटेटिव, वो भी ये देखिए, ये लिखा है टेंटेटिव, मतलब कि इसमें भी धोखा, भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब आएगा नहीं आएगा, मतलब क्या है यार, SSC कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या बोले हम। SSC के बारे में 2 शब्द लिख देना कमेंट में अगर आपको अच्छे लगे तो, ठीक है। तो देखिए, CHSL जो 2019 का था, इसका टीयर 2 का रिजल्ट आएगा, यानी डिस्क्रिप्टिव का, वो आएगा 30 सितंबर को, और इसका जो स्किल टेस्ट होगा वो नवंबर में होने वाला है, ठीक है ना, इसी महीने आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ये देखिए, जो सब इंस्पेक्टर वाला था, 30/9/2021 को आएगा जो फिजिकल एग्जामिनेशन था उसका रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाला फाइनल रिजल्ट आएगा 2020 का, 31/10/2021 को, यानी 31 अक्टूबर को आने वाला है। इसके बाद देखिए, बहुत सारे इसमें वेरियस हैं। अब देखिए, जो CHSL आपका 2020 यानी कि 2021 में हुआ है, इसका जो टीयर 1 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 30 नवंबर को, यानी कि 30 नवंबर को आएगा। इसके बाद देखिए, जूनियर सिविल मैकेनिकल वाला 30 नवंबर को, और देखिए सबसे बड़ी बात, जो CGL का रिजल्ट था टीयर 1 2021 वाला, जो इस समय हुआ है, 2020 वाला 21 में हुआ था, तो इसका आएगा 31 दिसंबर, यानी कि 2022 में आएगा सीधे सीधे, ठीक है ना, वो भी टेंटेटिव आया नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, वैसे के लिए 2 शब्द लिखना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।